बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमि का आनंदे आनंद, परम धाम की भूमि का आनंदे आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 71वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं, तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग पुखराज पर्वत अंतर्गत पुखराज जी के प्रसंग यानी कि हजार हास युक्त गोल चबूतरा के ऊपर के हजार भौम पुखराज का, उसके ऊपर आकाशी महल हजार भौम का, ये सारा प्रसंग होते हुए उत्तर पश्चिम की घाटी का प्रसंग भी अध्ययन करके पूरा किया, और उसके पश्चात पुखराजी ताल जो परसों हमने इसकी शोभा का वर्णन किया, और फिर वो पुखराजी ताल के साथ में ही अदवीज के कुंड का प्रसंग भी जुड़ जाता है, क्योंकि पुखराज के चांदनी से होते हुए आया हुआ जल 20 भौम नीचे पुखराजी ताल में उतरते हैं, तो ये पुखराजी ताल का जल पुनः यहाँ से अदवीज के कुंड में जाकर के उतरते हैं, तो पुखराजी ताल के वर्णन प्रसंग में ही वृत्ति में वो अदवीज के कुंड की तरफ जल जाकर के स्वर झरना के रूप में किस तरह से उतरते हैं ये भी प्रसंग वर्णन किया है। इसीलिए कल हमने अदवीज के कुंड के प्रसंग को वर्णन किया, तो पुखराजी ताल और अदवीज का कुंड का प्रसंग अब वृत्ति से अध्ययन करना बाकी है, तो आज हम ये दोनों विषय प्रसंग जो वृत्ति में दो शीर्षक में है पुखराजी ताल और अदवीज का कुंड करके, इसको वृत्ति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने पहले वर्णन किया इस शोभा को देखें, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक खेसरा नक्शा है, इस विषय में वैसे हमने पहले ही वर्णन करके पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देखा है, कंसेप्ट क्लियर किया है, फिर भी अब ये वृत्ति से अध्ययन करने जा रहे हैं तो इसका थोड़ा सा एक झलक मैं सार रूप में बता रहा हूँ। जैसे कि ये पुखराज के चांदनी के साथ में ताल महल मिलकर के ये 980 भौम तक तो ताल महल गया, और उसके ऊपर ये 20 भौम तक जवेर का महल गया, और यहाँ से ये देहलान के द्वारा होकर के चार नहर आकर के ये चार भौम नीचे पुखराजी ताल में ये जल उतरा है। और यह पुखराजी ताल कहाँ पर है, ये बंगला जो है, बंगला 5 भौम छठी चांदनी जाने के पश्चात बंगला के चांदनी के मध्य भाग में जो ये कुंड है, ये कुंड से छज्जा चारों तरफ बढ़ करके ये कुंड फैलते फैलते 250 भौम तक गया, उसके बाद फिर ये ताल सीधा ऊपर को गए हैं, तो पूरा ताल का ऊंचाई
980 होम कहा, और ताल के चारों तरफ आया हुआ महल जिसको ताल महल करके कहा, तो ये ताल महल भी 980 भोम तक ही है। उसके ऊपर फिर 20 भोम तक जवीर का महल गया है, ये प्रसंग भी हमने वर्णन किया। तो फिर ये ताल के साथ साथ में इस तरफ ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये अदबीज का कुंड है। तो अदबीज का कुंड जैसे ये जमीन से भोम भर ऊंचा चबूतरा में तीन हिस्सा होकर के मध्य हिस्सा में 27 की 27 हारे बगीचा, और उसके मध्य के एक बगीचा बराबर के जगह में ये जल का स्तून, बृहत स्तून ये ऊपर को गए, और बाहरी हिस्सा में 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ होकर के ये 5 भोम तक गए पहले अदबीज कुंड का। अब छठी भोम से ऊपर फिर इसकी शोभा परिवर्तन होकर के बाहर 5 पेड़ के ऊपर पेड़ ही है, नीचे 4 फिलपाई आता उसके ऊपर महल, फिर 5 पेड़ के ऊपर पेड़ ही है, और मध्य तीसरे हिस्सा में उसके मध्य में एक जल का स्तून जो सीधा ऊपर को गए हैं, और उसके चारों तरफ ये मध्य तीसरे हिस्सा जहाँ पर नीचे 5 भोम तक बगीचा आया था उसके ऊपर ये कुंड यानी कि तालाब बन करके प्रत्येक भोम में ये शोभा दिखाई देते हैं। और ये तालाब में भी 28 के 28 सारे थम्ब लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये अदबीज का कुंड ऊपरा ऊपर 500 भोम तक गया। अब 500 भोम ऊपर जाने के बाद इसके चारों तरफ जो नीचे से महल आया था वो महल के ही ऊपर फिर 5 भोम का महल गया है जिसे खास महल कहते हैं, और महल के दाएं बाएं यानी कि भीतर बाहर दोनों तरफ वो वृक्ष भी खास महल के चांदनी के बराबर तक गए हैं। तो इस तरह से ये अदबीज की कुंड को देखें तो नीचे 5 भोम, फिर 500 भोम, फिर ऊपर 5 भोम खास महल, इस तरह से है। अब कई बार ये 5 भोम के ऊपर ये अदबीज के कुंड के महल है इसको 490 भोम करके इस तरह से भी वर्णन आता है वैसे आने के लिए, परंतु इसको 500 भोम के रूप में ही समझना होता है क्योंकि ये नीचे का 5 भोम ये अलग ही है जो पुखराज जी में 5 पेड़ 5 भोम तक सीधा गया था, और बंगला में भी बंगला 5 भोम तक गया है, उसी हिसाब से ये बगीचा 5 भोम तक की बात है। तो उसके बाद ये बंगला के छठी भोम से अथवा वो पुखराज के 5 पेड़ 5 भोम तक सीधा जाने के बाद वहाँ से ऊपर 1000 भोम तक पुखराज अथवा ये ताल महल गए हैं, तो उसके आधा होने के लिए ये 5 भोम से ऊपर ही 500 भोम पहुँचना होता है ये कुंड के जगह, उसके बाद फिर ये खास महल अलग ही होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बताए हों। अब ये 500 भोम ऊपर जाने के बाद ये खास महल भी 5 भोम गया, अब उसके पश्चात ये ताल महल के साथ में मिलने के लिए ये 400 कोस के चौड़ाई से ये अदबीज के कुंड के पश्चिम तरफ से ये देहलान 480 भोम तक ऊपर गया, और ये देहलान ताल के तरफ से आया हुआ देहलान के साथ में मिलकर के ये बराबर हुआ। तो अब ये पुखराजी ताल का जल ये 4 नहर के द्वारा होकर के ताल के पूर्व तरफ के देहलान के द्वारा होकर के फिर अदबीज के कुंड के पश्चिम तरफ जो 480 भोम ऊपर तक गया हुआ देहलान के ऊपर से 4 नहर के द्वारा ये कुंड के ऊपर आया, और यहाँ 4 छज्जा रूप होकर के ये 16 झरना के रूप में फिर 480 भोम नीचे उतरते हैं। तो ये शोभा वर्णन किया है। फिर यह जल मूल जल यहाँ से सीधा नीचे उतरा, यहाँ से मतलब ये बृहत स्तून से, और कुछ अंश जल भोम भोम उतरते उतरते प्रत्येक भोम में तालाब यानी कि कुंड बन करके ये तरहटी तक आया है। तो समग्र शोभा ये हमने वर्णन किया है। अब इसको यहाँ वृत्ति में पुखराजी ताल करके ये ताल का वर्णन करते हैं, और इसके प्रसंग में आने वाले जो भी विषय है वहीं पर खुलासा करते हैं। उसके बाद फिर अदबीज के कुंड करके ये अदबीज के कुंड के विषय में भी वर्णन करते हैं, जो परसों हमने पुखराजी ताल के विषय में वर्णन किया और कल अदबीज के कुंड के विषय में वर्णन किया, और दोनों के आपसी संबंध को जोड़ दिया है।
तो आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर वृत्ति ने जिस तरह से वर्णन किया है उसको अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब वृत्ति में देखिए, तो वृत्ति में पेज नंबर 146 में पुखराजी ताल करके यहाँ शुरू हुआ है। जैसे इससे पहले का प्रसंग देखे तो उत्तर पश्चिम का घाटी करके वृत्ति में आया, जो प्रसंग 145 पेज तक में पूरा हुआ, तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे पेज नंबर 146 से पुखराजी ताल का प्रसंग अब हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके लिए नक्शा को अगर सामने में देखना हो तो ये पुखराजी ताल प्रसंग में पेज नंबर 73 में खड़ा दृश्य के द्वारा ये पुखराजी ताल की शोभा को दिखाया है। उसके बाद फिर पेज नंबर 74 में पुखराजी ताल के 980 भौम के ऊपर जबेर की महल की शोभा किस तरह से है ये भी यहाँ दिखाया है। तो जैसे जैसे प्रसंग वृत्ति के शब्द के द्वारा वर्णन होगा उसी हिसाब से ये नक्शा को भी हम देखेंगे। वैसे पहले भी हमने देख करके ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर किया है, तो अभी के लिए ये नक्शा में पेज नंबर 73 वाला सामने में रख करके अब हम वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए पुखराजी ताल। यह तालाब पुखराज पर्वत की पूर्व दिशा में है। ताल बंगलों की चांदनी से भोम भोम बढ़ता चला गया है। तो बंगला के चांदनी में 12,000 कोस का लंबाई चौड़ाई का कुंड था, जैसे जैसे वो छज्जा बढ़ता गया तो ये ताल भी खुलता गया। तो इस तरह से भोम भोम बढ़ता चला गया है करके कहा। इस ताल की लंबाई चौड़ाई शुरुआत में 12,000 कोस है। 12,000 कोस से भोम भोम होकर जाते हुए इसकी गिर्द चारों दिशाओं में बढ़ती चली गई है। यह ताल पुखराज की चांदनी से 20 भोम नीचे अर्थात 3,92,000 कोस तक बड़ा और इसकी गिर्द 4,00,000 कोस हो गई। तो इस तरह से 980 भोम तक ताल विस्तार होने के विषय में कहा, और यहाँ इसके गिर्द 4,00,000 करके कहा। तो इसमें ताल सहित वो ताल के चारों तरफ के एरिया ये 4,00,000 कोस की गिर्द है। 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा जो बंगला का चबूतरा था ना, उसका चौगिर्द 4,00,000 कोस का होता है। उसी हिसाब से ये मध्य के ताल सहित ताल महल के पूरा एरिया को लेकर के ये 4,00,000 कोस के गिर्द की बात है। ठीक है, ताल के चारों तरफ महलाते आई है, देखिए जिसको ताल महल करके कहा, और 20 भोम का छज्जा पुखराज के जल की तरफ आया है। तब ये पुखराजी ताल तो 980 भोम तक है, यहां से भी ऊपर फिर 20 भोम तक महल गया है ना, जिसे जवेर का महल करके कहा। तो उन 20 भोम के जो छज्जा है ये पुखराजी ताल में पड़ते हैं। तो यही बताया, 20 भोम का छज्जा पुखराज के जल की तरफ आया है, तथा तीन तरफ पाल की महलाते आई है, अर्थात ताल की पाल से जवेर की महलाते आई है। तो इस तरह से ये तीन तरफ की महलातों की बात जो बताए, ये पेज नंबर 74 में देखें तो पश्चिम के तरफ दहलान है और बाकी तीन तरफ वो जवेर का महल आया है। तो इसके लिए बताया है, वैसे तो पूर्व तरफ भी दहलान निकला है और पश्चिम के तरफ भी, वैसे मध्य के 400 कोस की जगह को छोड़ करके बाकी जगह में तो वो जवेर की महल आते आए हैं, फिर भी समग्र में उसको तीन तरफ महल करके कहा। तो आगे देखिए, जिनकी 20 भूमि है, जिनकी मतलब वो जवेर की महल की, मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये ताल के ऊपर ये चारों तरफ फिर करके आया हुआ जबर की महल 20 भोम की है। इनकी चांदनी और पुखराज की चांदनी के छज्जे एक दूसरे से मिले हुए हैं 1,000 भोम ऊपर जा करके। पुखराज के पूर्व की तरफ का बड़ा दरवाजा यहाँ आया है,
उनके आगे दो चबूतरे हैं, उनके मतलब पुखराज के चांदनी के पूर्व दिशा के दरवाजा जो है, दरवाजा के आगे दो चबूतरा जो पुखराज के चांदनी के प्रसंग में अध्ययन किया है, जिसकी गुर्जे भौम पर भौम आसमान तक चली गई है, अर्थात चांदनी से इसकी 10 भौम 11वीं चांदनी है। इन दो गुर्जों के बीच में 7 दहलाने आई है। अब ये दो गुर्जा तो पुखराज के चांदनी के पूर्व किनार के है, अब इसके आगे ताल के तरफ यानी कि ताल महल के ही जगह के ये ऊपर 7 दहलान आया है जो पुखराज के चांदनी के पूर्व दरवाजा के सामने में आकर के मिले हैं। तो ये 7 दहलान आई है करके कहा, इन दहलानों में 7 मेहराबें लगी है। तो 8 थंब में 7 दहलान, तो 7 दहलान में ये 8 थंब के बीच में 7 मेहराबें लगी है। इन 7 मेहराबों में से 4 मेहराबों के नीचे 4 नहरें पुखराजी ताल की ओर गई है। ये चारों नहरें पुखराजी ताल के पश्चिम दिशा के दो गुर्जों के बीच में से पुखराजी ताल में 20 भौम यानी 8000 कोस ऊपर से गिरती है। मतलब यहाँ की बात है, ये पुखराज के पूर्व दरवाजा से 4 नहरें होकर के यहाँ ताल के ये पश्चिम तरफ यहाँ दो गुर्जे के बीच से 20 भौम में यहाँ जल गिरते हैं। दो गुर्जे के बीच करके कहा तो यहाँ नीचे चौपाई है, आगो दो शीरे गुर्ज दोए माहे छज्जे कई किनार, दो बीच में पानी उतरत गिरत चादरे चार। अर्थ इस पुखराजी ताल के सामने पश्चिम की ओर दोनों किनारों पर दो गुर्जे हैं, इन गुर्जों की किनारों पर छज्जे हैं, इन दोनों गुर्जों के मध्य से नहरों द्वारा बहता हुआ जल 4 धाराओं इन ब्रैकेट चादरों, चादरों मतलब धारा झरना के रूप में नीचे पुखराजी ताल में गिरता है। फिर ऊपर से देखिए, अतः 3 मेहराबों के नीचे 3 दहलाने गई है। तो 7 दहलान में से 4 दहलान के नीचे से ये 4 नहरे गए, बाकी रहे 3 दहलान। इन दहलानों की दोनों किनारों में थंबों की हारी गई है, दहलानों में कमर भर के कठेड़े लगे हैं तथा साथ ही जगह जगह पर बैठक भी बनी है, आगे सीढ़ियां उतरी है, यहाँ चारों तरफ छज्जा समान रूप से आया है तथा ताल की पाल को घेर कर रोश का चबूतरा जल के ऊपर आया है। मतलब ये चारों तरफ छज्जा, मतलब ये ताल में बैठ कर के देखते समय ताल के चारों तरफ ये महल के छज्जा है और ताल के ही चारों तरफ यहाँ किनार में यहाँ कहा ताल की पाल को घेर कर रोश का चबूतरा जल के ऊपर आया है करके कहा। तो जैसे यमुना जी रंग महल के पूर्व दिशा में ये वर्णन करते समय यमुना जी के साथ में जल चबूतरा फिर पाल ये सारा आया है ना, तो ऐसे ही यहाँ पुखराजी ताल है, तो ताल है तो ताल के किनार में जल का चबूतरा है, उससे बाहर पाल है, ये सारी शोभा की बात है। इस चबूतरे के दोनों तरफ 11,000 कोश की चौड़ाई में वन आए हैं और बीच में 11,000 कोश की चौड़ाई में फिरती जवेरों की महलाती आई है। अब ये 980 भौम से ऊपर ये 3 खंड में विभाजन होकर के नीचे जो बाहर और भीतर दोनों तरफ 5 पेड़ आया था उसके ऊपर 5 पेड़ ही आया है दोनों तरफ, और नीचे जहाँ पर 4 फिलपाई आया था उसके सीधा ऊपर महल जो जवेर का महल है। तो इस तरह से मध्य में जवेर का महल और भीतर और बाहर दोनों तरफ वन अथवा वृक्ष जो ताल के बाहर चारों तरफ फिर करके आया है, ये शोभा की बात है। ये अब देखिए, ये तीनों हिस्से बराबर है, तीनों हिस्से मतलब वन महल फिर वन जो ताल से बाहर के तरफ की चारों तरफ की एरिया। अतः अधबीज के कुंड की तरफ
बड़े दरवाजों के सामने दहलान आई है। अब देखिए, अब तक ये पुखराज की तरफ से जल ताल में आने के लिए यहां दहलान की बात हुई, अब ताल में जल एकत्रित हुआ, तो अब ये ताल का जल फिर अद्विज की कुंड की तरफ जाना है। तो जिस तरह से यहां पश्चिम में दहलान आया है, उसी तरह से यहां ताल से पूर्व तरफ भी दहलान आया है। तो उसी के लिए कहा, अतः अद्विज के कुंड की तरफ बड़े दरवाजों के सामने दहलान आई है, उन दहलानों के सामने ताल की तरफ दो चबूतरे हैं, मतलब ये ताल की तरफ यहां पर भी दो चबूतरे हैं, उसमें से हर चबूतरे पर गुर्जे आई है, ये गुर्जे छज्जे और कठेड़े भौम पर भौम आसमान तक चले गए हैं, अर्थात ये गुर्जे बंगले की चांदनी से 1000 भौम की ऊंचाई तक गए हैं। मतलब ये गुर्ज नीचे बंगला के हिसाब से देखेंगे तो 1000 भौम तक गए, और ये पुखराजी ताल के ऊपर देखेंगे तो 20 भौम तक गए। तो ये गुर्जे की बात है। फिर आगे देखिए, तब उन पर गुमटियां कलश तथा ध्वजाएं लगी है 1000 भौम के ऊपर। इन गुर्जों का बड़ा विस्तार है, अर्थात इन गुर्जों से चारों ओर विस्तारवत शोभा दृष्टिगोचर होती है। इन गुर्जों की बीच में 7 दहलाने आई है। तो ये दोनों तरफ एक ही बात है, यहां ताल से पूर्व तरफ के गुर्जे देखे, दो गुर्जे के बीच में 7 दहलाने, ये अब अद्विज कुंड की तरफ गए हैं। ताल से पश्चिम तरफ देखें तो भी दो गुर्जे के बीच में 7 दहलाने, जिसमें से 4 दहलान के द्वारा होकर के वो नहर यहां ताल में उतरा है ना, तो दोनों तरफ देखना है इसके द्वारा। उन दहलानों में 7 मेहराबे है, इन 4 मेहराबों के नीचे 4 नहरें आई है, और 4 मेहराबों के बीच बीच में 3 दहलाने आई है, इन दहलानों की दोनों तरफ थंब की हारे आई है, और फिरता कठेड़ा आया है। ये कहां की दहलान है? दोनों तरफ की। जैसे ये ताल से पश्चिम तरफ 7 दहलान आया, इसमें भी यही प्रक्रिया है, और ताल से पूर्व तरफ जो 7 दहलान दो गुर्जे के बीच में आया है, ये भी वही प्रक्रिया है। इसीलिए दोनों तरफ को देखना है यहाँ एक ही साथ में। इस तरह दहलानों की ऊपरा ऊपर 19 भौम और 20वीं चांदनी है। तो यहाँ ताल की जगह से देखेंगे तो यहां से ऊपरा ऊपर दहलान 19 भौम 20वीं चांदनी गया है, ठीक है। ताल से पश्चिम तरफ की शोभा स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। वो जैसी दहलानों की गुर्जे और 7 मेहराबे इस तरफ है, इस तरफ मतलब अब ये ताल से पश्चिम तरफ इस तरफ है, वैसी ही 7 मेहराबे और 2 गुर्जे अद्विज के कुंड की तरफ भी है, तथा तीनों तरफ बन आए हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। तो जैसे दहलान पश्चिम तरफ का वर्णन हुआ, वैसे ही अद्विज के कुंड की तरफ भी है। पुखराज की तरफ अर्थात दो गुर्ज के बीच में वन नहीं है। तो ये पुखराज की तरफ दो गुर्ज के बीच में, मतलब जहां पर दहलान आया है, इसीलिए वहां पर वन नहीं है। वन की दोनों तरफ झरोखे पड़े हैं, और वन में हिंडोले चौके और मेहराबे आई है, जिनकी यहां बेशुमार शोभा सुंदरता है। पुखराजी ताल की महलातों में कई हारे मंदिरों की आई है, और जवेरों की महलातों के दोनों तरफ मेहराबे छज्जे और कठेड़े, तथा बन की महलातों की मेहराबे छज्जे और कठेड़े दोनों ओर आए हैं। पुखराज के छज्जे और कठेड़े चारों ओर से समानांतर है। ऊपर चांदनी का छज्जा और ताल का चबूतरा बराबर आया है। तो इस तरह से ये पुखराजी ताल के चारों तरफ के महल, वन, उसके छज्जा, ये सारी बातें हुई। अब तालाब में से 4 घड़नाले में होकर जल अद्विज के कुंड की तरफ आता है। अब ये पुखराजी ताल से ये दो गुर्ज के बीच में बने हुए 7 दहलान में से
चार देहलान, यानी कि चार देहलान के चार मेहराब के नीचे से चार नहरें होकर के अब अधबीज के कुंड की तरफ जाता है। तो देखिए, तो पुखराज जी ताल के प्रसंग में ही अब जल अधबीज के कुंड की तरफ जाने का प्रसंग आया ना, इसीलिए पहले हमने अधबीज के कुंड के प्रसंग भी वर्णन करके ही वृत्ति के द्वारा ये पुखराज जी ताल प्रसंग अध्ययन किया है। तो देखिए, अब यहां अब तालाब में से चार घड़नालों में होकर जल अधबीज के कुंड की तरफ आता है। यहां दोनों गुर्जों के बीच की देहलान पर सात मेहराबे आई है, जो पहले भी वर्णन हुआ इस तरफ जैसा है इस तरफ भी वैसा ही है करके, जिनमें से चार मेहराबों के नीचे चार नहरें चली गई है और तीन मेहराबे बीच में आई है, उस पर बैठक है जिसका वर्णन आगे हो आया है। तो ऐसे ही शोभा पहले ही वर्णन हुआ है, और इसको नक्शा से देखना हो तो 74 नंबर पेज के नक्शा से देख सकते हैं, जो पुखराजी ताल के पश्चिम तरफ भी देहलान की शोभा और उसमें चार नहरें आते हुए दिखाई दे रहा है, और पुखराजी ताल से फिर पूर्व तरफ अधबीज के कुंड के तरफ भी सात देहलान में से चार देहलान के द्वारा नहरें जाती हुई शोभा ये दिखाई देता है। तो उस नक्शा से भी देख सकते हैं, ठीक है। और चार नहरें और तीन बैठक की बातें हुई। अब आगे देखिए, जिन मेहराबों के नीचे से चार नहरें आती है उन नहरों का जल स्रोत के रूप में अधबीज के कुंड में पड़ता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। अब ये जल किस तरह से अधबीज को कुंड में पड़ते हैं अब वर्णन कर रहे हैं। कुंड के ऊपर चार छज्जे बढ़ते बढ़ते ऊपरा ऊपर सीढ़ियों की तरह पड़े हैं। तो देखिए, तो अब अधबीज का कुंडा का वर्णन तो वृत्ति के द्वारा हुआ नहीं है, एक ही बार कुंड के ऊपर चार छज्जे करके ये वर्णन हुआ ना, तो इसीलिए अधबीज के कुंड का कंसेप्ट भी पहले क्लियर होने के बाद ही ये प्रसंग समझ सकते थे, इसीलिए हमने पहले अधबीज का कुंड का वर्णन किया। तो अब उसके हिसाब से देखिए, तो ये चार नहर के द्वारा होकर के जल आया, और अधबीज के कुंड के पश्चिम तरफ से 400 कोस की चौड़ी और ये 480 भौम तक देहलान जा करके ये देहलान के साथ में मिले, तो ये सात देहलान के भी बीच में चार देहलान के द्वारा होकर के ये नहरें अधबीज के कुंड के ऊपर तक आया, ठीक है। अब ये ऊंचाई यहां कुंड से 480 भौम ऊपर है, अब यहां पर ये छज्जा चार छज्जा 1600 कोस 1200 कोस 800 कोस और 400 कोस करके कहा है ना, तो ये छज्जा के द्वारा होकर के अब झरना उतरते हैं। तो वही बात है, तो इसके लिए फिर से देखिए कि कुंड के ऊपर चार छज्जे बढ़ते बढ़ते ऊपरा ऊपर सीढ़ियों की तरह पड़े हैं। तो यहां से देखिए तो उल्टा सीढ़ी की तरह 400 कोस 800 कोस 1200 कोस और 1600 कोस ये सीढ़ियों की तरह दिखाई दिया ना, वही वाली बात है। सबसे ऊपर का छज्जा चार भौम का है, तो यहां पर चार भौम का कहने का मतलब चार भौम के एरिया बराबर का, तो चार भौम में कितना होता है, एक भौम में 400 कोस, तो चार भौम में चार गुना चार 1600 कोस, तो चार भौम का कहने का मतलब फिर ये छज्जा को ऊपर की तरफ बढ़ाने का नहीं, ऐसे बढ़ते समय ये चार भौम यानी कि 1600 कोस के बराबर का छज्जा बड़ा है उस अर्थ में, ठीक है, जो जल की तरफ बड़ा है। वो चार भौम तो कहा लेकिन किस तरफ बड़ा है, जल की तरफ, मतलब ऐसे पूर्व की तरफ ही बड़ा है। उस छज्जे में चार चार पोले थंबों की तीन हारे आई है। अब यहां तो एक लोकेशन ही है, ये नक्शा से तो वो सारा तो दिखाई नहीं देता है। अब इसके लिए पॉट के नक्शा के हिसाब से देखना हो तो आप ये पेज नंबर 78 का जो ये खड़ा दृश्य नक्शा में दिखाया है वहां से देख सकते हैं, जो कल ही हमने ये नक्शा के द्वारा भी देखा है, तो उसी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, उस छज्जे में चार चार पोले थंबों की तीन हारे आई है, ताल की तरफ से जो चार नहरें आई है वे पहली हार के पोले भाग में जो चार थंब हैं उनमें से होकर चार चादरों के रूप में गिरता है, उसके आगे दूसरी हार के पोले भाग में जो चार थंब आई है उसमें से चार चादरें गिरते हैं, पुनः उसके आगे
तीसरी हार के पोले भाग में जो चार थंब है उनमें से चार चादरें गिरती है और चार चादरें ऊपर के छज्जों में से गिरती है। इस प्रकार ऊपर ऊपर चार गुना चार सोलह, सोलह चादरें अदबीज के कुंड में गिरती है। पुखराजी ताल की तरफ से चार घड़नालों में होकर जल का बड़ा प्रवाह आता है और यह प्रवाह 16 चादरों द्वारा 480 भौम अर्थात 192,000 कोस ऊपर से नीचे कुंड में गिरता है, जिनकी कर्णप्रिय बड़ी गर्जना होती है। तो ये 480 भौम ऊपर से जो जल उतरते हैं तो कर्णप्रिय बड़ी गर्जना होती है। तब यहां ऊपर से 16 चादरों द्वारा 480 भौम नीचे जल उतरने की बात हुई, तो इसके लिए नीचे चौपाई बताया है। देखिए, गुर्ज दो के बीच में गिरत चादरे चार, चार चार हर एक में उतरत सोले धार। अर्थ, पुखराज की चांदनी से दोनों गुर्जों के मध्य चार देहलानों में होती हुई जल की चार धाराएं पुखराजी ताल में गिरता है। मतलब पुखराज की चांदनी से चार चादरें होकर के पुखराजी ताल में गिरने की बात है। पुखराजी ताल से पूर्व की ओर बहती हुई इन नहरों का जल प्रत्येक भूमिका में चार चार धाराओं के रूप में कुल 16 धाराओं में विभक्त होकर 16 चादरों के नाम से अदबीज के कुंड में गिरता है। मतलब ये पुखराज की चांदनी के तरफ से आया हुआ चार धारा के रूप में ताल में गिरा और यही जल फिर चार नहर के रूप में आकर के अदबीज के कुंड में गिरते समय 16 धारा के रूप में गिरा, ये वाली बात है। ठीक है, अब आगे, नीचे जमीन से भौम भर ऊंचा बंगला का चबूतरा है। तो फिर यहां बंगला के चबूतरा में आए, ये पुखराजी ताल से नीचे बंगला का चबूतरा, उस चबूतरे पर फिलपायों की चार हारे है। तो चबूतरा के ये बाहरी हिस्सा में पांच पेड़, चार फिलपाई, पांच पेड़ आया था ना, तो फिलपायों की चार हारे हैं। पुखराजी ताल के पाल पर चारों तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जो जबीरों की महलातें आई है वे इन्हीं फिलपायों के सिर पर आई है और महलों के दोनों तरफ वन आए हैं। तो ये बात क्या है, ये ताल से जल जाकर के सूरज झरना के रूप में अदबीज के कुंड में उतरने की बात तो हुई, परंतु यही पुखराजी ताल के ही प्रसंग में अब पुखराजी ताल के चारों तरफ वन और महल की बात है। तो उसके लिए लोकेशन यहां नीचे चबूतरा में उतर करके चबूतरा के बाहरी हिस्सा में मध्य में फिलपाई करके बताया और उसके दाएं बाएं पांच पांच पेड़ करके यहां का एड्रेस दिया और इसी के सीधा ऊपर ताल के बाहर पाल जो है पाल से भी बाहर की तरफ नीचे फिलपाए के ऊपर जबेर का महल और उसके दाएं बाएं बन करके वो पुखराजी ताल के चारों तरफ के महल और बन के विषय में यहां पर वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, जहां दो गुर्जों के बीच 16 चादरें गिरती हैं वहां बन नहीं है। अब फिर ये महलों का वर्णन करने के पश्चात ये चार नहरें होकर के 16 चादरें गिरते हैं ना, तो ये नहरें जाते हुए जगह में मतलब ये पुखराजी ताल के ही पूर्व तरफ की जगह में ही वहां पर बन नहीं है, क्योंकि वहां देहलान होकर के वो जल आगे गए हैं तो उस जगह में बन नहीं है। तो ये बात बताए। फिर देखिए, ऊपर बन की महलों की एवं पुखराज की चांदनी एक समान बराबर है। तो ये पुखराजी ताल के बाहर के चारों तरफ के वन और जबीर का महल और पुखराजी की चांदनी बराबर है, मतलब हजार भौम के ऊपर ये चांदनी बराबर है। तो इस तरह से ये पुखराजी ताल का प्रसंग पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे आया अदबीज का कुंड। तो ये अदबीज का कुंड का प्रसंग भी हमने वैसे वर्णन कल ही किया है, अब वृत्ति से अध्ययन करना बाकी है तो इसको हम वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अदबीज का कुंड मतलब इधर की बात है, जो सोरा झरना उतरने तक की बात तो
ताल के प्रसंग से ही वर्णन किया, अब जो भी बात है यहां हम सीधा शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अद्विज के कुंड के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस है। अब नीचे से वर्णन शुरू कर रहे हैं ना, अद्विज के कुंड शुरुआत हो, और गिर्द 1,33,332 कोस है। चबूतरे की बाहरी किनार के 11,000 कोस की चौड़ाई में फिल्पायों की चार हारे फिरी है। चबूतरा एक तरफ अर्थात पश्चिम से बंगलों को जा मिला है, तीन तरफ और आया है। यहां बीच में फिल्पायों की कई हारे आई है। इन सभी फिल्पायों में मेहरावे लगी है। इनमें कई महल, सीढ़ियां, नहर, चेहबच्चे, फुहारे, बगीचे, चौक, चबूतरे और हिंडोले पड़े हैं। तले चबूतरा से लेकर ऊपर 5 भौम तक सर्व युक्तियां बनक उक्त प्रकार की बेशुमार शोभा से युक्त है। अब यहां पर तो बिल्कुल ही सार रूप में बताया है, ठीक है। अब यहां फिल्पाए की ही बात आई, परंतु फिल्पाए के बाहर भीतर 5-5 हार थंब भी आते हैं, और ये जितने भी बगीचा, नहर, चेबच्चे जो भी वर्णन किया वो अंदर तीसरे हिस्सा की बात है। तो इसको बिल्कुल ही सार सूत्र रूप में बताया, इसको थोड़ा विस्तार करके हमने कल ही वर्णन किया है, तो उसी हिसाब से समझना होगा। तो आगे देखिए, इस अद्विज के कुंड की 5 भौम ऊपर की चांदनी और बंगलों की चांदनी बराबर है। बंगलों की चांदनी से सीधे यहां आकर कुंड में स्नान कर सकते हैं। तो अब यहां देखिए, बंगला की चांदनी से सीधा यहां आकर कुंड में स्नान कर सकते हैं करके कहा। तो ये कुंड कौन से कुंड है? तो यही है। देखिए, जैसे ये 5 भौम ऊपर ले जाने के बाद 6ठी भौम में यहां मध्य भाग में ये कुंड का वर्णन किया है ना, इसी के लिए कहा है। जो कुंड ऊपर ऊपर प्रत्येक भौम में है, ठीक है। आगे, इस चांदनी में अर्थात नीचे के 5 भौम छोड़कर 6ठी भौम से ऊपर ऊपर 490 भौम तक जल भरा हुआ है। तो ये 490 भौम तक करके कहा, लेकिन इसमें हमने 500 भौम करके कहा है। तो वैसे आप 490 भौम भी समझ सकते हैं, परंतु ये 500 भौम के हिसाब से समझना पड़ेगा। वो 1000 का आधा 500 भौम होता है, जिसकी हर भौम में ऊपर चारों ओर कमर तक के जल में जल क्रीड़ा तथा स्नान कर सकते हैं। तो जल स्तून के चारों तरफ, मतलब यहां देखिए, तो ये जल स्तून तो सीधा गया, और हर भौम में कमर तक का जल करके कहा ना, तो यही वाली बात है जो हमने यहाँ हर भौम में, यहाँ थोड़ा सा निशानी दिखाया है दीवार का, और हर भौम में कमर तक का जल आने की बात है, और जिसके अंदर 28 के 28 सारे थंब आए हैं और ऊपर से जल उसमें उतरते हैं, ये सारा वर्णन किया है, वही है। खास महल की ऊपर ऊपर 4 भौम और 5वीं चांदनी है। अब ये फिर 500 भौम ऊपर जाने के बाद ऊपर खास महल की बात है, वो भी 4 भौम 5वीं चांदनी है। कुंड के चारों ओर जो खास महल आए हैं उनका दृश्य और कुंड के बीच में सोर चादरें गिरता हुआ जो अति शोभायुक्त दृश्य है वह देखते ही बनता है। अब फिर सोर चादर के लिए नीचे चौपाई बताया, चारों तरफ झरोखे कुंड के बीच चादरे खूबी देत, बड़े दहलान कचहेरियां हक रूहे खुशाली लेत। अर्थ, यहां अद्विज के कुंड के चारों ओर मंदिरों के झरोखे हैं, मध्य में बहती हुई जल की चादरें अधिकाधिक शोभायमान है। यहाँ पर स्थित बड़ी बड़ी बैठकों एवं देहलानों पर बैठकर श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं विभिन्न प्रकार के आनंद का अनुभव करती है। फिर ऊपर से देखिए, इस खास महलों में से पश्चिम की तरफ के खास महल पुखराजी ताल के महल से मिले हुए हैं। ताले की, बीच की तथा ऊपर की महलातों की तीनों तरफ छज्जा, कठेड़ा और पहाड़ का छज्जा कुंड के छज्जे से मिला हुआ है। ये सब बराबर आए हैं। चारों कोनों की 4 गुर्जों में से अद्विज के कुंड की तरफ की 2 गुर्जों में नीचे चबूतरे से 1,005 भौम ऊपर आकर घुमटी लगी है, और
ताल की तरफ की दो गुर्जों में नीचे 5 भौम छठी चांदनी से 1000 भौम ऊपर आकर गुमटी लगी है। तो अब देखिए यहां अधबीज के कुंड के पश्चिम तरफ के गुर्जे की बात हो रही है, मतलब ये अधबीज की कुंड है ना, ये देहलान के साथ में गया हुआ ये गुर्जे के लिए कहा 1005 भौम। तो इसीलिए कहा था कि यहां ऊपर अधबीज के कुंड का 490 भौम करके ऊपर आया था ना, उसको 500 भौम ही लेना पड़ेगा करके। क्यों? देखिए नीचे का 5 भौम, ये अधबीज के कुंड का 500 भौम, और यहां से ऊपर 480 भौम और ऊपर का 20 भौम मिलाने पर ही ये 500 भौम 500 भौम ही हुआ। 480 प्लस 20 500 भौम हुआ, 1000 भौम हुआ, और नीचे का ये 5 भौम मिलाते समय 1005 भौम होता है। समझ में आई बात? जिन छज्जों से 16 चादरें गिरती है और दो गोल गुर्जे इनके सामने आई है, उन गुर्जों पर चांदनी है और गिर्द में कठेड़ा आया है तथा चारों तरफ महल आए हैं। कुंड को घेरकर चारों तरफ जल का चबूतरा आया है। इस जल के चबूतरे की चौड़ाई 5350 कोस है, जिसमें कमर तक के जल में स्नान करते हैं। तो वो मध्य का जो जल स्तन को छोड़कर के बाकी चारों तरफ के एरिया में तो कमर तक का जल आते हैं ना, उसमें भी वही वाली बात है ये। इस चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतरी है और 3 तरफ पूर्व उत्तर दक्षिण महल आए हैं। पश्चिम की तरफ के महल ताल के महलों से जा मिले हैं, अतः 5 छज्जे खास महल के ऊपरा ऊपर जल पर आए हैं। ऊपर चांदनी आई है, उस चांदनी की बाहरी किनार पर 3 तरफ फिरता कठेड़ा आया है और चौथी तरफ ताल के महल आए हैं, इसलिए यहाँ कठेड़ा नहीं है, सिर्फ ऊपरा ऊपर भौमे चली गई है। जब हम ऊपर तले तथा बीच के महलों में से बीच के महलों की 490वीं भौम के चबूतरे पर गुर्जे के पास बैठते हैं, तब 16 चादरों की बारी की जल बूंदों की वर्षा हमारे सिर पर हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। पुनः यहाँ होने वाली अति मनमोहक कर्णप्रिय गर्जना की आवाजों को कितना भी सुना जाए, हमारी आत्मा कभी तृप्त ही नहीं होती। यहाँ की यह शोभा देखते ही बनती है, वर्णन तो शब्द तथा विषयों से परे सर्वथा अकथनीय है। यह अधबीज का कुंड 2 लाख कोश ऊंचा है, 2 लाख कोश मतलब 500 भौम, जिनकी ऊपरा ऊपर 500 भौमे पड़ी है। यह लंबा चौड़ा कुंड पुखराजी ताल के तीसरे हिस्से के बराबर है, जहां दो पहाड़ों पुखराज और ताल महलों की संधि आई है, वहां से फिलपायों में होकर एक नहर आधे पेड़ का पानी उतरे हैं। यह नहर नीचे उतरकर 1 से 2 हो जाती है तथा दोनों दिशाओं दक्षिण तथा उत्तर से होती हुई चारों ओर फिरकर पुनः आपस में मिल जाती है। पुनः वह जल प्रत्येक भौम में होते हुए तथा सर्वत्र विचरते हुए भौम पर भौम उतरते हुए बंगलों की चांदनी को प्राप्त होता है। वहां से यह जल बंगलों की गिर्द के फिलपायों में होकर बंगलों के चबूतरों पर स्थित उन्हीं फिलपायों में आता है, जिन फिलपायों में जानवरों के मुख बने हुए हैं। उन फिलपायों के मुख से जल तीर ज्यों छूटता, अर्थात यह जल एक फिलपाय में बने जानवर के मुख से दूसरे फिलपाय में बने जानवर के मुख में तीर के समान छूटकर धनुष आकार मेहराब के आकार में रूप में पड़ता है। इस तरह सर्व फिलपायों के जानवरों के मुख में विचरते हुए चबूतरों और बगीचों में परिभ्रमण करता है। तत्पश्चात पुखराज के गोल तथा बंगले के चौरस चबूतरे की संधि में
नीचे तरहट्टी की जमीन पर स्थित हाँस भर के लंबे चौड़े और तरहट्टी से भौम भर गहरे कुंड में झरने के रूप में आकर गिरता है। अतः वहां से निकलकर डेढ़ पेड़ के जल की नहरें पूर्व की ओर बंगले की तरहट्टी में आती है और वहां से अदबीज के कुंड में दो पेड़ का पानी मिलकर आगे ढापे चबूतरे की तरहट्टी के कुंड में जाकर मिलता है। पुनः यह जल ढापे चबूतरे के कुंड से मूल कुंड की ओर जाता है। तो इस तरह से अदबीज का कुंड का प्रसंग भी पूरा हुआ और इसी में वो जल जो मध्य के पेड़ से 2000 भौम ऊपर जा करके फिर आकाशी महल के 1000 भौम नीचे उतर करके पूर्व के दरवाजा के सामने में पहले जल को एकत्रित किया था, ये जल भी आधा जल पुखराजी ताल से होते हुए अदबीज के कुंड से होते हुए अदबीज के कुंड के तरहट्टी में आ पहुंचा और आधा जल भौम से भौम उतरते उतरते बंगला के चांदनी में आकर के फिर 5 भौम नीचे उतर कर बंगला का चबूतरा और पुखराज के चबूतरा के मध्य के कुंड में आया और यहाँ से पूर्व की तरफ जल बहते समय डेढ़ पेड़ का पानी हुआ और अदबीज के कुंड में जाकर पहुंचते समय आधा पेड़ का पानी भी वहां पहुंचने से वहां से आगे दो पेड़ का पानी होकर के फिर ढापी चबूतरा का तरहट्टी मूल कुंड के तरहट्टी से होते हुए फिर ये जमुना जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो जमुना जी के रूप में किस तरह से प्रकट होते हैं वो प्रसंग बाद में वर्णन होगा। तो अभी ये पुखराजी ताल और अदबीज का कुंड का प्रसंग इस तरह से पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे यहाँ प्रसंग आ रहा है वृत्ति में बंगलों का चबूतरा करके। अब साधारण हिसाब से देखते समय तो बंगला का चबूतरा तो अदबीज कुंड से पहले की बात है, तो अदबीज का कुंड का वर्णन होने के बाद फिर बंगलों की चबूतरा था बंगला का वर्णन प्रसंग क्यों आया? तो इसका कारण ऐसा है, देखिए पहले यहां से महल ऊपर बढ़ाते बढ़ाते ले गए और ऊपर पुखराज की चांदनी, फिर वहां से सीधा जल के प्रसंग में ये पुखराजी ताल, फिर यही जल को इधर अदबीज के कुंड में ले जाना था इसलिए अदबीज के कुंड का वर्णन हुआ। लेकिन ये बंगला का जो चबूतरा के ऊपर बंगला की जो शोभा है वो तो हमने छज्जा बढ़ाने के प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए बंगला 5 भौम छठी चांदनी है करके थोड़ा कुछ वर्णन किया। वृत्ति ने भी उसमें 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर से ताल बन करके आगे विस्तार हुआ करके सारांश रूप में वर्णन किया, लेकिन वो 5 भौम की जो बंगला की शोभा कैसे है इसका विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है, तो ये बाकी है। इसीलिए अब बंगला का चबूतरा करके वो बंगला के 5 भौम की शोभा यानी कि ये पुखराजी ताल के नीचे की जो शोभा है ना ये वर्णन करते हैं। उसके पश्चात फिर आगे सीधा ढापा चबूतरा करके शुरू होता है, क्योंकि बंगला के बाद में पूर्व में अदबीज का कुंड है, अदबीज का कुंड तो पहले ही वर्णन हुआ इसीलिए ये बंगला का चबूतरा को वर्णन करके फिर सीधा ढापा चबूतरा और मूल कुंड करके ये प्रसंग को आगे समेट लेते हैं। तो आज हमने विशेष करके ये पुखराजी ताल और अदबीज का कुंड जो परसों और कल इसका जो वर्णन हमने किया था उसको आज वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन किया। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, कल फिर ये बंगला का चबूतरा के ऊपर जो भी शोभा है उस विषय में अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।